दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही संकटग्रस्त दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड का नया मालिक कौन होगा, इसका फैसला इस सप्ताह बुधवार को हो जाएगा। लेकिन इसी बीच DHFL को खरीदने के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस और अमेरिका की ऑक्ट्री कैपिटल में तगड़ा कंपटीशन शुरू हो गया है। आज यानी 21 दिसंबर तक DHFL को खरीदने के लिए बोली लगाने वाली सभी कंपनियों को अपने बिड पर DHFL के कमिटी ऑफ क्रिएटर के सामने क्लैरिफिकेशन देना होगा कि एक्वायर करने के बाद कंपनी को किस तरीके से वो आगे ले जाएंगे। इसमें पिरामल एंटरप्राइजेस और ऑक्ट्री कैपिटल ने कंपनी को खरीदने के लिए अपनी बोली बढ़ाने की बात कही है। DHFL के कमिटी ऑफ क्रेडिटर में शामिल दो लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि बिडिंग के चौथे राउंड में इन दोनों कंपनियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। पिरामल एंटरप्राइजेस ने जहां अपनी बोली को 4,000 करोड़ रुपए से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की पेशकश की है, वहीं ऑक्ट्री कैपिटल ने अपने अपफ्रंट पेमेंट ऑफर को 11,700 करोड़ रुपए में से 1,500 करोड़ रुपए के एक निश्चित अवधि के लिए होल्ड करने की शर्त पर छूट देने की बात कही है। कंपनी ने कहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल वो DHFL के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के खर्च और कर चुकाने के लिए करेगी। दोस्तों, इन दोनों कंपनियों ने कोरोना महामारी में थोड़ी राहत मिलने के बाद DHFL के एसेट क्वालिटी में सुधार आने और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में रिकवरी और ग्रोथ आने के बाद ये फैसला लिया है। 18 दिसंबर को कंपनी के COC यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर के साथ हुई बैठक में जब COC ने दोनों कंपनियों से पूछा कि एक्वायर करने के बाद वो कंपनियों को कैसे संभालेंगे जब इनके द्वारा ऑफर किया गया सभी पैसा लेनदारी में चला जाएगा यानी क्रेडिटर को चला जाएगा और कंपनी के बुक में केवल 9,000 करोड़ रुपए ही रह जाएगा और वो भी बिडर्स का नहीं है बल्कि वो क्रेडिटर का है। इस पर पिरामल एंटरप्राइजेस ने कहा कि अगर वो बोली जीतती है तो DHFL में 5,000 करोड़ रुपए और निवेश कर सकती है। COC के एक सदस्य ने बताया कि उन्होंने पिरामल ग्रुप से 15-20% वर्किंग कैपिटल रखने को कहा है ताकि DHFL के बिजनेस को पटरी पर लाया जा सके। दोस्तों, अब इन दोनों कंपनियों पर बुधवार को वोटिंग होगा जिसके बाद ये पता चलेगा कि संकटग्रस्त DHFL का नया मालिक कौन होगा। आपको बता दें कि पहले राउंड में DHFL को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप ने 10,700 करोड़ रुपये की बोली लगाई जिसे दूसरे राउंड में बढ़ाकर 19,110 रुपये कर दिया गया। कंपनी ने तीसरे राउंड में इस बोली को बढ़ाकर 29,860 रुपये कर दिया। वहीं पिरामल एंटरप्राइजेस ने पहले राउंड में DHFL को खरीदने के लिए 12,700 करोड़ रुपये की बोली लगाई और दूसरे राउंड में इसे बढ़ाकर 19,550 रुपये कर दिया और तीसरे राउंड में 32,250 रुपये कर दिया गया। और वहीं अब पिरामल एंटरप्राइज ने चौथे राउंड में कंपनी में 5,000 करोड़ रुपये और बढ़ाने की बात कही है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म ऑक्ट्री कैपिटल ने पहले राउंड में कंपनी को खरीदने के लिए 11,700 करोड़ रुपये की बोली लगाई, दूसरे राउंड में इसे बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपये की बोली और तीसरे राउंड में इसके लिए सबसे अधिक 32,700 करोड़ रुपये की बोली लगा दी। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट DHFL कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।